पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को देश हर कोने में अपने अपने तरीके से लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम रोज आपको मिशन क्लीन इंडिया की ऐसी ही तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। आज स्वच्छता मिशन की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेंगलुरु से आई है। स्वच्छ भारत अभियान की जय। बेंगलुरु में स्वच्छ भारत की अनोखी मुहिम है, अनोखा संकल्प है। हाथ में कार डस्टबिन लेकर लोगों को जागरूक करता यह है बेंगलुरु का मारवाड़ी युवा मंच। कार से सड़क पर कचरा फैलाने से रोकने के लिए इस ग्रुप ने एक बड़ा कदम उठाया है। मारवाड़ी युवा मंच ने खास तरीके का कार डस्टबिन डिजाइन कराया है और हर सिग्नल पर इस ग्रुप के लोग कार सवारों को जागरूक करते हुए उन्हें फ्री में ये डस्टबिन दे रहे हैं ताकि वो कार का कचरा सड़क में न फैलाकर इस डस्टबिन में डालें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंदगी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की ये कोशिश मारवाड़ी युवा मंच सेंट्रल बैंगलोर की है। ये कार स्वच्छ बिन, एक स्पेशली डिजाइन्ड बिन इन्होंने तैयार किया है जो कार में लोगों को देते हैं सिग्नल्स पर। मारवाड़ी युवा मंच ने कार डस्टबिन की इस मुहिम को जोरदार तरीके से चलाया है। मई 2018 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी। सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं बल्कि देश भर में ये ग्रुप इसी तरह फ्री में कार डस्टबिन बांट रहा है। गवर्नर ऑफ गोवा ने हम लोग को ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मैं सोचा क्यों ना इसको आगे लिया जाए। तो इसी सिग्नल पे आज से 14 मार्च को मैंने ये अभियान स्टार्ट किया है और हमने ये एक नया कार के लिए बिन तैयार किया है जिसको, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कार स्वच्छ बिन, जहाँ पे स्वच्छ है मतलब स्वच्छता रहना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कार हर कार में रहे और कार मैन्युफैक्चरर इसको बाय डिफॉल्ट एज ए स्टैंडर्ड फिटमेंट अपने कार में दे। इस कार स्वच्छ डस्टबिन की खास बात यह है कि इसे बड़ी ही आसानी से कार में लगाया जा सकता है और कार में होने वाले कचरे को भी इसके अंदर आसानी से डाला जा सकता है। जैसे कि गाड़ी पे ये ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि हर गाड़ी में जहाँ पे बॉटल होल्डर होती है, और आजकल सारे गाड़ी में 4 से 5 बॉटल होल्डर होती है, उसमें ये आराम से फिट हो सकता है। और अलग अलग स्टेप भी दिया हुआ है और पूरा ये पुश है, इसमें पूरा ऐसे है, ये पूरा इसमें चला जाता है और होने के बाद में ये ड्राई वेस्ट दोनों डाल सकते हैं, ड्राई और वेट, और घर में जाके इसको अपने कूड़ा डाल में क्लीन कर लीजिए। बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी स्वच्छता की बड़ी मुहिम में शामिल होकर लोगों को क्लीन इंडिया का संदेश दे रहे हैं। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा, वादा कर लिया हमने। कार स्वच्छ डस्टबिन पाने वाले लोग भी मारवाड़ी युवा मंच के इस अनोखे कदम की सराहना कर रहे हैं। गाड़ी वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है, गाड़ी से सामान फेंकते हैं, बच्चों को सीख मिलेगी कि बच्चों को भी जो है आदत पड़ेगी स्वच्छता की तरफ, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत ही बढ़िया आइडिया है और हमें बहुत पसंद है, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बी हेल्प। गोवा सरकार ने मारवाड़ी युवा मंच के इस मुहिम का स्वागत किया है। खुद राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने इस ग्रुप की सराहना की। कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के साथ जुड़कर लोगों को सफाई का संदेश देने की यह अद्भुत कोशिश है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।